दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया है कि सत्येंद्र जैन के बाद अब सेंट्रल एजेंसी मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने की साजिश रच रही है। जी हां, आपको बता दें, दिल्ली के सभी मंत्रियों और विधायकों को एक साथ अरेस्ट करके जांच करवा ली जाए। अरविंद केजरीवाल की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को लेकर थी। यहाँ सीएम केजरीवाल ने कहा कि जैन को गिरफ्तार करने के पीछे क्या साजिश है उनको नहीं पता, लेकिन अब डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को अरेस्ट करने की साजिश रची जा रही है। केजरीवाल बोले कि अगर सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया भ्रष्ट हैं तो पता नहीं ईमानदार कौन होगा। केजरीवाल ने कहा कि सत्येंद्र जैन का केस पहले से चल रहा है, अब फिर जांच कर रहे हैं। दिल्ली के सीएम ने आगे भी कहा कि मेरी पीएम मोदी से हाथ जोड़कर विनती है कि वह दिल्ली के सभी विधायकों और मंत्रियों को एक साथ गिरफ्तार करवा कर जाँच करवा ले, क्योंकि ऐसे अलग अलग गिरफ्तारी से देश का नुकसान होता है, क्योंकि इससे विकास कार्यों में बाधा आती है। सत्येंद्र जैन कई मोहल्ला क्लिनिक बना रहे थे, पानी की सफाई पर काम कर रहे थे, अब इसका काम रुक गया। केजरीवाल ने कहा कि मुझे नहीं पता कि ये गिरफ्तारी क्यों हो रही है। कोई कहता है कि ऐसा हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की वजह से हो रहा है, और कोई कहता है कि पंजाब चुनाव में आपकी जीत होने पर इस तरह बदला लिया जा रहा है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि हमें गिरफ्तारी से डर नहीं लगता, लेकिन सबको एक साथ गिरफ्तार करवा दें। वह बोले कि हम हर जगह मजाक में कहते हैं कि मोदी जी से ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेकर आए हैं, आप सबको गिरफ्तार कर लीजिए, एक बार फिर ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेकर निकलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।